पीटी उषा देश दुनिया का एक जाना माना नाम है, यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पीटी एक महान एथलीट थी जिन्होंने 1979 से लगभग दो दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा से सम्मान दिलाया है। इस तेज दौड़ने वाली महिला का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम कहीं लिया जाता है तो सदैव सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम होता है, वो है पीटी उषा। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सफल महिला एथलीट में से एक है। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एवं पयोली एक्सप्रेस नाम का खिताब भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में, जहां आज मैं आपको पीटी उषा के बारे में कुछ मुख्य जानकारी देने वाली हूं। पीला उल्कांडी थिक्के पारंबिल उषा का जन्म 27 जून 1964 में पयोली गांव में हुआ था। लोगों को इनके अंदर बचपन से ही एक महान एथलीट की छवि दिखाई देने लगी थी। 1976 में केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। 12 वर्ष की पीटी उषा उन 40 महिलाओं में से थी जिनका चयन यहां ट्रेनिंग के लिए हुआ था। इनके पहले कोच ओएम नियंबर थे। 1979 में पीटी उषा पहली बार लाइमलाइट में आई। उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम में व्यक्तिगत चैंपियनशिप भी जीती। पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 के करांची में हुए पाकिस्तान उपनेशनल मीट के साथ की थी। इस एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे। 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने भारत का सर पाकिस्तान में बहुत ऊंचा किया था। इसके पश्चात 1982 में पीटी उषा 200 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल एवं 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमीफाइनल के पहले राउंड में 400 मीटर बड़ा दौड़ को समाप्त किया, परंतु वह इसके फाइनल में 1/100 मार्जिन से पीछे रह गई, जिसके कारण उन्हें ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल पाया। यह मैच बहुत ही रोमांचकारी थी जिसने 1960 में मिल्खा सिंह की एक रेस की याद दिला दी। इस मैच का आखिरी समय ऐसा था कि लोग दंग रह गए थे। हार के बाद भी पीटी उषा की यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक के किसी फाइनल राउंड में पहुंची थी। उन्होंने 55 सेकंड में रेस पूरी की थी, जो आज भी भारत के इवेंट में एक नेशनल रिकॉर्ड है। 1985 में पीटी उषा ने इंडोनेशिया के जाकर्ता में एशियन ट्रेड एंड फील्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1988 में सियोल में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ जहां पीटी उषा को हिस्सा लेना था, लेकिन इसके ठीक पहले उनके पैर में चोट लग गई थी। लेकिन उषा के जज्बे को यह चोट भी नहीं रोक पाई, उन्होंने इसी हालत में अपने देश के लिए इसमें हिस्सा लिया। 1990 में बीजिंग में गेम्स खेलने के बाद उषा ने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया। 1991 में इन्होंने वी श्रीनिवासन से शादी कर लिया, जिसके बाद इनका एक बेटा हुआ। 1998 में अचानक सबको चौंकाते हुए 34 वर्ष की उम्र में पीटी उषा ने एथलेटिक्स में दोबारा से कदम रखा और उन्होंने जापान के फुकोको में आयोजित एशियन ट्रेड फेडरेशन मीट में हिस्सा लिया। इस गेम में उषा ने 200 मीटर एवं 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वर्ष 2000 में पूर्ण रूप से उषा ने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया। इसी के साथ एथलेटिक्स के खेल के प्रति उनके प्रयास एवं उत्कृष्ट सेवा, साथ ही राष्ट्र का नाम ऊंचा करने के लिए उषा जी को 1984 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1985 में देश के चौथे बड़े पद्मश्री से उषा जी को सम्मानित किया गया। उषा जी को सन 1985 एवं 1986 में वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। इनको केरल खेल पत्रकार से भी सम्मानित किया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साची बात चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।